शीतकालीन अधिवेशन आरंभ होउछि। एहि अधिवेशन 2018 जनवरी 5 तारीख पर्यंत चलिबो। एहि समय मध्यरे मोट 14टी कार्यदिवस रहिछि। अधिवेशन काळरे मोट 25टी विधेयक उपस्थापन कराजिबो। सेपरि 14टी विधेयकक गृहीत करबा लागि सरकार तालिका प्रस्तुत करिछन्ति। एहा मध्यरे रहिछि द्रव्य सेवा कर संशोधन विधेयक 2017 ओ मुसलमान महिलांक विवाह अधिकार ओ सुरक्षा विधेयक 2017। संसद अधिवेशन आगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते संसद सब् समय देश उपयोग होगा आवश्यक। संसद में सकारात्मक आलोचना प्रधानमंत्री गुरुत्व सेपटे विभिन्न प्रसंग में विरोधी दल मैंने घेरवा सजबाज होगा। पार्लियामेंट शीतकालीन अधिवेशन आरंभ हो देखिपुंट सीधासख चित्र एवं प्रथमे दिवंगत नेता श्रद्धांजलि देवापर शीत अधिवेशन आरंभ हो जो सब् प्रसंग मान आज रही आलोचना करा एवं शासक दल विरोधी मध्य आज प्रसंग को नहीं दीर्घ समय धरी आलोचना कर संभावना रही। शीतकालीन अधिवेशन आरंभ हो आउ किछि समय रे जे सब प्रसंग मान आज रही सब आलोचना करा जिवो। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से आपसे और आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन से अपने मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सहयोगियों का परिचय कराना चाहता हूं। कैबिनेट मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम नेचुरल गैस तथा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्री श्री पीयूष गोयल रेल तथा कोयला मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री राज्य मंत्री श्री राजकुमार सिंह पावर तथा न्यू एवं रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालयों के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री केजे अल्फोंस टूरिज्म राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राज्य मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री अनंत कुमार हेगड़े स्किल डेवलपमेंट एवं एंटरप्रेन्योरशिप राज्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह मानव संसाधन विकास तथा जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालयों के राज्य मंत्री। धन्यवाद, सबका अभिनंदन। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव को एक दिसंबर 2017 से लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया गया है। श्रीमती श्रीवास्तव को 35 वर्षों से अधिक का प्रशासकीय अनुभव है। उन्होंने भारत सरकार के न्याय विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि सभा श्रीमती श्रीवास्तव के व्यापक अनुभव से लाभान्वित होगी और वे लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में अपनी जिम्मेदारी उन कर्तव्यों का निर्वहन लगन एवं निष्ठा से करेगी। मुझे सभा को यह भी सूचित करना है कि श्री अनूप मिश्र 30 नवंबर 2017 को लोकसभा के महासचिव के अपने कार्यकाल को पूर्ण कर
पदभार से मुक्त हुए। श्री मिश्र के संसदीय कार्य प्रक्रियाओं एवं संवैधानिक मामलों के व्यापक ज्ञान ने पीठासीन अधिकारी एवं सभापति तालिका में